मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। आपको बता दें, सीहोर जिले के नसरुल्लागंज सहित दर्जनों गांव के घर और दुकानों में पानी घुस गया है। इसके साथ ही तवा बांध के 13 गेट खुलने से नर्मदा नदी में पानी बह गया है। 13 गेट खुलने से नर्मदा नदी उफान पर है, जिससे नदी नालों के पानी लोगों के घरों में घुस रहे हैं और तो और रेत माफिया अपनी जान की परवाह किए बगैर उफनते नदी नालों के पुलों से डंपरों में रेत भर रहे हैं।